हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के दौरान नीट जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शुक्रवार को परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। राज्य और जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित धरने और प्रदर्शन में बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली, आजाद सिंह राठौर समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सभी ने एक स्वर में परीक्षाओं को हटाने की मांग को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मेवाराम जैन, बाड़मेर विधायक, इन्होंने ये कहा। कांग्रेस हमारी नेता सोनिया गांधी जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो भारत सरकार एक तरफ से कोरोना से लड़ रही है, पूरी जनता त्रस्त है, सभी वर्ग इससे कोई बचा नहीं है। दूसरी तरफ ये जो नीट और जेआईए की परीक्षाएं जो कर रही है, इससे 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होंगे और इससे इस महामारी में खतरा और बढ़ेगा और बच्चों के जीवन में ये इसकी वजह से खतरा हो सकता है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम इकबाल की रिपोर्ट।